ना? क्या 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 बोला उसने? नाम है अधिया, काम है अधिया। अब काम करते हैं हम अधिया, तो हम काम अधिया में अच्छा सा समाज दिखाना चाहते हैं। खेती आपका है लेकिन उसमें हम अच्छा सा उपजाऊ बनाएंगे, हम उससे कमाएंगे। अमृत ये दे रहे हैं धरती माँ को, ये उपजाऊ बना। आप मतलब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारा संस्कार इसीलिए लिखा गया है, इसमें हम डालेंगे इससे कमाएंगे। आप प्रेरणा बन गए, हम कमाएंगे तो आप कमाओगे। तो हमारा संस्कार यही है, ये लहसुन ये प्याज देख लीजिए, हमारा लहसुन हमारा प्याज देख लीजिए। हम हमारे घर की खेती नहीं है लेकिन हमारा संस्कार एक अलग है। हम खेती जो करते हैं एक ठोस काम करते हैं। लोग कहता है कि ये खेती करेंगे हम तो उसमें 12 क्विंटल पैदा करेंगे बीघे में, लेकिन हम कहते हैं हम 18 क्विंटल पैदा करेंगे। इसी गांव में करके दिखाते हैं, लोग देखता है। मैं अपने बाप का नहीं बोलता हूँ, आन के बोलता हूँ, लेकिन हर सैलीना 150,000 बेचता हूँ। आप भी अपने खेत में अपने गोबर का प्रयोग करते हैं ना? हमारे पास यही है, वही जिसमें बोते हैं अधिया लेकर के उसमें उसमें डालना तय है। जब आपके खेत में डालेंगे तो हम उससे कमाएंगे। प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। बहन जी आपका नाम क्या है? हो गया सीता। सीता नाम है, बहुत अच्छा आपका नाम है। आप महारानी हैं, आप धरती माता हैं, तो आपके पास में गाय कितनी है माता जी? बहन जी गाय हमारे पास नहीं है। नहीं, और आपके पास है? एक गाय है। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। एक गाय जरूर रखिए, आप चाहे इनसे ले लो, आप भी इनसे गाय ले लीजिए, अपने घर पर रखिए जो है। तो आपके पास पैसे नहीं है तो चिंता मत करिए, प्रशासन आपको गाय दे देगी। गाय देगा 900 रुपए महीना भी दे देगा। कौन सा गाय रखे है? जो की न हिंदू है न मुसलमान है, समझ वाली गाय। आपकी गाय वही है? हमारी गाय कुल पराठी का है। नहीं, आपकी गाय ये हमारे घर से नहीं है। तो आप किसकी गाय की बात कर रहे हैं? भाभी की। आपकी गाय जो है, सुनिए हमारी बात सुनिए, आपकी गाय देसी नहीं है, प्योर नहीं है? नहीं, वो दोगली है। हाँ, तो वो गाय जो है उस गाय का गोबर गौमूत्र इस खेती के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, देसी गाय का। इसलिए आप एक देसी गाय जो है, जरूरत पड़ेगी देसी गाय जो है ये बता देंगे जो है, और आपको